Hi candidates and welcome to Government Trackers. This is Kavita. Today I'm going to tell you about the SSC Tech 57 and 28 course call-up letter. So the call-up letter for a woman basically, that is 28 course, has already been released. For men, since the date selection link is abhi open, so it will be released after the date selection link for SSB is closed, though the seats for SSB are already filled. So just wait, you will automatically get your SSB centers and the dates. ठीक है? Now call up यहाँ से देख लेते हैं. There are few strict guidelines. Documents की क्या list है इसके बारे में बात कर लेते हैं. सारी चीज बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं. फॉर सच काइंड ऑफ अपडेट्स डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट ट्रैकर्स एंड लाइक एंड शेयर. नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द कॉल अप लेटर फॉर एसएससी टेक 28 कोर्स इलाहाबाद. सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं. द COVID-19 एडवाइजरी आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो बोथ फॉर 57 एंड 28 कोर्स. तो गो एंड चेक दिस वीडियो विच इज ऑलरेडी देयर ऑन द गवर्नमेंट ट्रैकर्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल. ठीक है, इस पे चेक कर लीजिए. विद पिक्चर्स आई हैव एक्सप्लेन ऑल द COVID-19 गाइडलाइंस जो भी आपके कॉल अप लेटर में मेंशन है. नाउ कमिंग टू द डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स के लिए प्लीज डू लिसन ईच एंड एवरी वर्ड बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट मिस करेंगे तो यू विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड योर एसएसबीज. देर आर वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिस टाइम. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के लिए इफ समबडी इज बिलोंगिंग फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी या नॉन ट्राइबल कम्युनिटी तो यू हैव डिफरेंट अपेंडिक्स. अपेंडिक्स आपके कॉल अप लेटर में भी मेंशन है, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है. अगर आपके परमानेंट टैटूज हैं या टैटू अगर आपके हैं उसके लिए भी देर इज वन फॉर्म, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू फिल दैट फॉर्म. ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज है तो आपके लिए प्रॉपर फॉर्म अटैच्ड है, आपको उसका प्रूफ देना होगा एंड फॉर्म फिलअप करने होंगे विच इज अपेंडिक्स ए एंड बी. नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए आपको अपेंडिक्स डी फिलअप करना पड़ेगा एज एग्जिबिट 3. ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स जब आपकी रिपोर्टिंग होगी एसएसबी इंटरव्यू के लिए तब आपको क्या क्या चाहिए. देखिए, ओरिजिनल बोल्ड में मेंशन कर रखा है, ओरिजिनल आपको साथ में लेके आने हैं अलोंग विद 2 फोटोकॉपीज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट जिसे आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे. ठीक है, यानी अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, जो भी आपका नाम हो उसको सेल्फ अटेस्ट प्लीज कर दीजिएगा. ठीक है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे सिलेक्शन सेंटर में. दे आर जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन. सबसे पहले आपके 10th की मार्कशीट होगी. 10th की मार्कशीट में बेसिकली जो कंसर्न है वो होगा डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम एंड जो है इशू डेट सर्टिफिकेट की वो चेक करी जाएगी. सेकेंडली जो पेरेंट्स के नेम है स्पेशली फादर एंड मदर, अगर वो एग्जैक्टली सेम नहीं हुए जैसे आपके 10th या 12th के मार्कशीट में है और जो आईडी प्रूफ आप दिखाएंगे, देन इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू. सो मेक श्योर कि जो तीनों आईडीज आप यूज कर रहे हो उसमें जो पेरेंट्स का नाम या आपका नाम या जो डेट ऑफ बर्थ हो उसमें, इफ देयर इज अ पॉइंट इन पेरेंट्स नेम जो कि साउथ कैंडिडेट्स के इनिशियल्स में यूजुअली होता है कि किसी तरह का इनिशियल है, फॉर एग्जाम्पल इट इज ए डॉट पी, देन आपके सारे सर्टिफिकेट्स में इट शुड बी ए डॉट पी. ए स्पेस पी भी विल नॉट वर्क, इवन द डॉट हैज इट्स इंपॉर्टेंस. ठीक है, क्योंकि डिजिटल सब कुछ हो चुका है. सो अगर इस तरह का भी कोई वेरिएशन है, मेक श्योर यू आर हैविंग द एफिडेविट फॉर द सेम. किसी भी डॉक्यूमेंट में वेरिएशन है आपके तो प्लीज एफिडेविट बनवा लीजिएगा. ठीक है, सिमिलरली गोज फॉर क्लास 12th मार्कशीट एंड आपका इंजीनियरिंग, चाहे वो आपका ओरिजिनल डिग्री हो या प्रोफेशनल जो आपकी यूनिवर्सिटी से इशू हुआ हो. मार्कशीट आपको सारे सेमेस्टर्स की चाहिए. अगर आपके पास बैकलॉग होगा करंट टाइम में जब आप एसएसबी देने जाएंगे, देन यू आर नॉट एलिजिबल. सो मेक श्योर कि जब आपकी एसएसबी हो उस टाइम पे आपका कोई बैकलॉग ना हो. वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए विच मे बी योर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जिसपे आपने फोटोग्राफ लगाई हो और सेल्फ अटेस्ट इससे भी करा हो, ये आपको चाहिए. यानी जो जॉइन इंडियन आर्मी पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, उसका भी एक कॉपी आपको चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स अगर कॉलेज में फॉर हायर स्टडीज, तो आपको एक अपेंडिक्स सी भरना पड़ेगा जिसमें बेसिकली बोनाफाइड सर्टिफिकेट है एंड आफ्टर सम टाइम यू विल प्रेजेंट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो. मगर ओरिजिनल हेड पे आप साइन करा के लाएंगे जिस भी इंस्टीट्यूट में अगर आपने सबमिट करके रखा है तो. अगर आपके प्रीवियस एसएसबी के अटेम्प्ट्स हैं यू विल मेंशन दैट ऑल्सो. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे देखिए क्लियरली बोर्ड में मेंशन किया हुआ है
कि अगर आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री आप फाइनल ईयर में है या अपीयरिंग ईयर में है, तो आपका जो फाइनल कोर्स जो पासिंग सब प्रूफ होना चाहिए, इट शुड बी सबमिटेड बाय 1 अक्टूबर 2021 दैट यू हैव सक्सेसफुली पास. ऐसा नहीं कि आपका कोई बैकलॉग हो, कोई एग्जामिनेशन रिमेनिंग हो, किसी भी वजह से आप दे ना पाए हो. सो पासिंग प्रूफ शुड बी सबमिटेड बाय 1 अक्टूबर 2021. और इसके लिए आपका हेड ऑफ इंस्टीट्यूट से ही लेटर हेड पे बेसिकली आपको ये दिखाना होगा कि आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है बाय 1 अगस्त 2021 और आपकी किसी भी तरह की कोई बैकलॉग नहीं है. ठीक है. नाउ फॉर सर्टिफिकेट इशूड बाय कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रार या डीन, अगेन कॉलेज यूनिवर्सिटी, रिगार्डिंग आपके क्यूमुलेटिव परसेंटेज, यानी जिन भी कैंडिडेट्स के CGPA में मार्क्स हैं, यूजुअली इंजीनियरिंग में वी हैव CGPA राइट नाउ ग्रेडिंग सिस्टम, हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. एंड परसेंटेज में अगेन कन्वर्ट करने के लिए इट शुड बी कन्वर्टेड एंड लेटर हेड पे होना चाहिए कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के. एंड देर इज वन अपेंडिक्स फॉर्म ऑल्सो जो उसमें आपका कॉलेज का कन्वर्जन सर्टिफिकेट डिटेल्स जाएंगी. तो पूरा फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको सिर्फ साइन कराना है उस पे. ठीक है. जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके आने हैं और वेरिफिकेशन के बाद ये आपके पास ही रहेंगे. अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं देन आपका SSB कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी रिटर्न. ठीक है. अगर आपके पास कोई भी बैकलॉग है 6 सेमेस्टर तक और आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है तो यू विल नॉट बी परमिटेड टू अंडरगो SSB. दिस इज वेरी क्लियरली मेंशन. Another important instruction is कि अगर आपने जो भी document अपने जो application form में, join Indian की profile में जो भी आपने documents या information या stream डाला है, अगर उसमें से कोई भी information जो match नहीं होती है आपके original document से, then again आपका selection cancel हो जाएगा and you will be returned. Now again 8th point जिसको लेके आप सबके पास doubt है, change of interview date या selection center will not be entertained या reply तक किया जाएगा. So you're not getting to get any sort of reply on that. Once selected, it is final. Next is service candidate will be entertained at the selection center for their SSB interview only if उनके पास movement order है और वो NOC produce करते हैं through their commanding officer only. और जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने इंजीनियरिंग स्ट्रीम का कॉलम या इक्विवेलेंट जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम मेंशन करा था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, वो मैच होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कंप्यूटर साइंस के लिए मेंशन करा था एंड देन यू आर ब्रिंगिंग सम अदर सर्टिफिकेट, चाहे वो बाय मिस्टेक हुआ हो या इंटेंशनली, तो आपको जो मैचिंग डिटेल्स हैं बेसिकली जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म था जॉइन इंडियन नामी की आपकी प्रोफाइल पे, इट शुड बी कम्प्लीटली मैचिंग, चाहे वो कोई भी डिटेल्स हो, चाहे आपकी पर्सनल डिटेल्स हो या आपकी स्ट्रीम की डिटेल्स हो. कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे पर्सनल नेम में अगर किसी भी तरह का वेरिएशन आता है, चाहे वो आपका कैंडिडेट नेम हो गया, पेरेंट्स नेम हो गया, ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स या आपकी डेट ऑफ बर्थ में या एड्रेस में कोई तरह के चेंजेस या वेरिएशंस आते हैं, दीज चेंजेस विल नॉट बी एंटरटेन. सो यू आर रिक्वेस्टेड टू हैव द एफिडेविट फॉर एनी काइंड ऑफ चेंजेस इफ यू आर हैविंग आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से जो आपने ऑलरेडी सरनेम सबमिट कर दिया, चाहे वो माइनर वेरिएशन क्यों ना हो, जैसे इनिशियल्स हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि ये जो वेरिएशन है और जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल करा था इट इज वन एंड द सेम पर्सन, ये आपको कोर्ट कॉम्प्लेक्स से मिल जाएगा. ठीक है. Once the results are declared in the SSB interview, you are required to submit the photocopy of all the degree documents at SSB interview. ठीक है. एंड अगर कोई भी डॉक्यूमेंट लॉस होता है या कोई भी चीज होती है देन यू आर ओनली सोल रिस्पॉन्सिबल, सिलेक्शन सेंटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. सो मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट सेफ हों, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए हों, वेरिफिकेशन के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया हो. ठीक है. बाकी एक रफ एस्टिमेट है कि दैट वॉट आइटम्स यू नीड टू ब्रिंग इज. ठीक है. सो बेसिकली ड्रेस कोड के लिए भी यहाँ पे बता दिया है अगेन, तो आपको बेसिकली वन सेट फॉर जेंट्स एंड लेडीज बोथ, वन सेट एट लीस्ट वॉट एवर यू आर गोइंग टू वेयर फॉर्मल्स. ठीक है. 1 to 2 set बेसिकली आप उसे कैरी कर सकते हैं. देन यू शुड हैव कम वन कम्प्लीट सेट ऑफ 1 or 2 dresses ऑफ वाइट शर्ट जो आप GTO में पहनने वाले हैं, टी शर्ट बेसिकली, एवरीथिंग शुड बी वाइट इंक्लूडिंग योर ट्राउजर, टी शर्ट, सॉक्स, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग फॉर GTO टेस्ट.
Then you should have adequate writing material, pen, pencil, eraser, whatever you want to have, or you can have you know white A4 size blank sheets as required. Agar aapko koi rough work and all karna ho, passport size photographs with light color background and aapne properly dress up kara ho, 40 copies you should have. Toiletries as required, lock and key aapki apni personal safety ke liye. So ye basically kuch important documents ho gaye. And there are strict instructions also for the sum. So, wo aap dekh lijiye before going to your SSBs. And apart from all this, the most important thing is about getting selected in SSB. Theek hai, because aap itni hard work kar rahe hain, you're going to the selection centers. So, you can prepare for all your SSBs at the app of Government Trackers. Download Government Trackers app, and we have tremendous and fantastic feedbacks from the candidates who have already taken the course, and they've been recommended through various centers like FSB, then SSB, then we have candidates from OTA also. So we have a very good result and hope this time also the result goes well. So candidates, all the best to you all and congratulations. May you all get the uniform as soon as possible. So I'll see you in the next session when some update. Jai Hind.